हेलो मेरे जिगर के छल्लो, वेलकम बैक टू माय स्क्वाड चैनल। तो सबसे पहले तुम सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। उम्मीद है तुम लोगों के रोज़े जो हैं वो अच्छे गुजर रहे होंगे और आगे भी अच्छे गुजरेंगे। बैक टू द वीडियो। सो आज भी हम लोग खेलने वाले हैं सर्वाइवल एंड क्राफ्ट। एज यू नो पिछला एपिसोड भी हमारा इसी का था और मैंने गेम के अंदर अपने वर्ल्ड के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करी हैं जो कि मैं अपने वर्ल्ड के अंदर तुम लोग को आके दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर फौरन से। ओके सो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी चेंजेस नहीं है। बेसिकली मैंने इस जगह को थोड़ा एक्सपेंड किया है, थोड़ा बड़ा करा है और एक ये चेस भी बनाई है जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैंने रख दिया है। सबसे पहले बैरल पकड़ लूँ मैं, ये जो मुझे देखने में कुछ अच्छी सी लग रही है, और ये भी। हाँ तो बस यही मैंने कुछ चेंजेस करें। और हाँ ये हथौड़ी जो रखी हुई है, ये हथौड़ी बेसिकली करती यह है कि जो सामान हम लोगों ने बना दिया, अगर हम लोग को जैसे मैंने पल्ला लगा दिया, ठीक है फ्लोर मैंने लगा दिया और अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे इस फ्लोर की ज़रूरत नहीं है, तो उस हथौड़ी के ज़रिए इस फ्लोर को मैं तोड़ सकता हूँ और उसके बदले वो मुझे वापस मेरे मटेरियल दे देगा। सारे मटेरियल देगा, थोड़ा सा कम देगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिफंड कर ही देता है, ज़ाया नहीं जाएगा वो हिसाब का। सो आज हमारा एम है, क्या चल रहा है, ये आवाज़ कैसी आ रही है, जहाज से आ रहा है, जहाज भी जाते हैं इसमें। इसने मेरे को देखा क्यों, इतना बड़े राफ्ट में हूँ मैं, इतने नीचे से गया ये बंदा, अजीब है भाई। अच्छा खैर पानी पिलाओ सबसे पहले, प्यासा मर रहा हूँ मैं, डुकासी आई है मेरे को। सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम लोगों को जो है सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ये पानी वाले दो तीन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। इससे हो गए ये कि बेसिकली मुझे आसानी मिलेगी। हाँ मेरे कुछ लेवल भी अप हुए हैं तो उस वजह से मुझे चीज़ें नई नई खुली हैं, इनको मैंने छुआ भी नहीं जिस तरीके से तुम लोग देख सकते हो। तो हम लोग को हाँ ये बनाना है, ये हम लोग ये दो तीन बना देते हैं, एक दो बन गए, तीन हो गए ना टोटल। अब इसके हिसाब से हम लोग जो हैं तीन गिलास, दो और ओकी डोकी। सो बेसिकली हम लोग बनाने वाले हैं इसके अंदर एक बड़ा सा घर, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला सीन नहीं है कि मैं पहले टाइम गुजारने के लिए छोटा सा घर बना दूं फिर बाद में बड़ा सा घर बना दूं, वो वाला सीन नहीं करने वाला, क्योंकि एक ही दफ़ा इसके अंदर घर बनाएंगे और बड़ा सा घर बनाएंगे। और अगर ये जगह छोटी लगेगी, ये क्या जा रहा है भाई, पता नहीं कुछ तो जा रहा है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है यहाँ पे। हाँ सबसे पहले जो है पानी। ओ यार चेस्ट मेरी भर गई, एक काम करता हूँ मैं एक और चेस्ट भी बना लेता हूँ रोटेट करके, ठीक है। और उसके अंदर कुछ सामान रख दें जैसे मच्छी, बस बाकी मेरे बैग के अंदर ये पका हुआ है शायद, कुक्ड है, हाँ तो ये खा लेता हूँ मैं। बाकी इसे रख दो ऊपर के साइड पे इसके साथ। अब पानी पी लें धड़ाधड़, पानी की समस्या हुई पूरी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ पानी ही है, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा पीता है ये, हर दो मिनट के बाद पानी पीता रहता है, हर दो मिनट में प्यास लग जाती है इसको, अजीब प्यासा है, पता नहीं कौन सा ख़ानदान से बिलोंग करता है। कि शुरू करते हैं हम लोग बनाना घर को। तो बेसिकली बनाना कैसे है, सबसे पहले ये बिल्ड करते हैं हम। अच्छा हाँ आप लोगों को ये भी नहीं दिखाया, मैंने अपना करेक्टर को थोड़े से कपड़े वपड़े पहना दिए। एक लगाते हैं यहाँ पे, एक लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बनाना शुरू करेंगे घर को, ठीक है। अब हमें चाहिए दीवारें, दीवारें वेयर इज दीवारें, ये आ गई दीवार, ये बन गई दीवार। रस्सियाँ कम पड़ रही हैं, रस्सियाँ बना लें हम सारी की सारी, ये आ गई
ये आ गई। ले भैया हथौड़ा ही ख़त्म हो गया हमारा। ये आ गई, ये आ गई, यहाँ से ये, हाँ इधर से आएगा, इधर इधर इधर, इधर रखते हैं, इधर रखते हैं, लेवल भी अप हो गया हमारा। ज़रा इतने सारे डब्बे जा रहे हैं, मैं डब्बे ज़रा गेल लूँ जल्दी से। ठीक है तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हम चेस वगैरह रखेंगे एक्चुअली। हाँ सही, यहाँ पे हम रखेंगे चेस और इस जगह के ऊपर हम लोग चूल्हे वूल्हे लगा देंगे थोड़ा। और मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर फिर छत लगा के ना इस वाले कमरे के ऊपर एक और कमरा बना दूँ ऊपर के साइड पे, जहाँ पे मैं अपना बेड वगैरह लाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर जो है बेड वगैरह भी है, जैसा तुम लोग देख सकते हो चीज़ें वगैरह हैं इसके अंदर अच्छी खासियाँ। इसके पीछे एक ट्यून भी चलती है ये वाली, जैसे अभी चल रही है, होप से ये ट्यून कॉपीराइटेड ना हो। हमला हो गया, कहाँ से हुआ है? यहाँ से हुआ है। ओके सो मुझे पिस्टल की एमओ मिल गई है। ये एक्चुअली ये चकोर वाले जो बॉक्स होते हैं उनसे मिलती है इसकी एमओ। आई थिंक से जब जहाज वगैरह आता है तब हम इस एमओ को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको संभाल कर रख देता हूँ, लेकिन जगह नहीं है, है बल्कि इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, इसको मिलाओ, इसको रखो इधर, इसको रखो इधर। ओए बारिश हो गई, अरे क्या बात है, पानी पी लें। जैसे ये 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 बन गया है हमारा कमरा। बारिश के कई जोरों फरोशों से हो रही है। अच्छा अब हमें बनानी है क्या, अब हमें इसकी छत बनानी है। अब छत कहाँ है, छत कैसे बनाते हैं? ये भी सीलिंग, ये चलो भाई बारिश ख़त्म हो गई, सुहाना मौसम गया। ओकी डोकी, हमारे पास थोड़ी बहुत रस्सियाँ आ गई हैं तो हम बनाने शुरू करते हैं सीलिंग को। अरे हमला हो गया, मेरा स्पीयर तो इधर रखा हुआ है। किधर से हमला किया है? अरे इसको तो मैं बचा भी नहीं सकता। हेलो, दो दो दीवारें चली गई, दर्द हुआ। वापस जोड़ दिया मैंने, जैसा था वैसा कर दिया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। वे डब्बे किधर जा रहा है, वे तू किधर जा रहा है? ये हो गया, जैसे अब इसमें से पिस्तौल की एमओ मिली। इस तरीके से मुझे एमओ मिलते रहती है, अच्छी खासी एमओ मिल गई है मेरे को, तो ज़ाया करने का उस एमओ को दुख नहीं हो रहा मुझे। मतलब ये
आम है, मिल जाएगी मुझे आराम से। ओके अच्छा, ये मुझे पहले इन डब्बों में से नहीं मिलती थी, मतलब जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता रहेगा वैसे वैसे मुझे डब्बों में से और अलग अलग चीज़ें भी मिलती रहेंगी। वो रिशिप जा रही है, दिख रही है तुम लोगों को? अब मैं फ्लेयर चला के देखता हूँ। ये री फ्लेयर, ये री शिप, ये मैंने चलाई फ्लेयर। अब देखते हैं होता क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा भर गया है, इसको भी खाली कर दूं। अरे शिप ने ड्रॉप दिया, व्हाट? अच्छा ये वाली शिप ड्रॉप देती है, इसके लिए फ्लेयर दिया हुआ इन लोगों ने। क्या क्या दे दिया इसने, सबर देखने दो। पकी हुई मछली दी है, टूना मछली, शार्क दी है पकी हुई, वाह भैया। कोकोनट दिए हैं 3, 8 कैन दिए हैं, और भी पता नहीं क्या स्क्रैप स्क्रैप क्या क्या दिया है। नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारी हम लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल गई शिप से, मज़े आ गए। ये भी एमओ भी मिल गई, ये भी, ये भी। चलो भाई क्या बात है, अभी मैं ये खा लूँ। ओहो 73% दौड़ करके पूरी की पूरी, अबे वो प्यासा मरना है मैंने। रखो लकड़ी डालो, लकड़ी डालो, लकड़ी डालो। मुझे पता है तुम लोग को ये आग की वजह से मेरी आवाज़ बड़ी डिस्टॉर्टेड आती होगी, ये है सीन है इसका। शार्क को हमने उसका सबक सिखा दिया है, अब मेरे पास देखते हैं क्या क्या चीज़ें नई नई खुल गई। एक नई तरीके की फिशिंग रॉड खुली है मेरे पास, ये मैं डेफिनेटली बना के देख लूँगा अभी। नॉट इनफ स्पेस, क्या करें स्पेस ही तो नहीं है मेरे पास। खाली बोतल, खाली बोतल जमा होती है, इसको रखो अंदर। ठीक है एक और चेस बना रहा हूँ मैं, 3 चेस कर देते हैं। इसके अंदर हम रखते हैं इसे, और इसे रख देते हैं। अच्छा हम अपनी सीलिंग बना रहे थे, सॉरी मैं भूल गया था। हाँ सीलिंग बनाते हैं अपनी, नहीं नहीं ये नहीं सीलिंग, सॉरी। हाँ चलो अच्छा हथौड़ा टूट गया मेरा, अभी बना लेते हैं हथौड़े का, क्या मसला है। ओके अब मेरे पास रोप्स कम पड़ गई हैं, 4 चाहिए, और एक सीलिंग के अंदर कितनी रोप्स रखती हैं, 3। कैलकुलेशन के हिसाब से मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 रोप्स चाहिए हम लोगों को। 3 और रस्सियाँ चाहिए हम लोगों को, हम लोगों का काम हो जाएगा। ओके ओकी डोकी, सीलिंग हमारी शायद हो जाएगी अब कंप्लीट, देख लेते हैं। ओकी डोकी ओकी डोकी ओकी डोकी एंड ओके डोकी, ये हो गई हमारी सीलिंग कंप्लीट। तो अब इसके पे गेट भी लगा देते हैं, इसमें आई थिंक सो गेट भी था, हियर इट इज। अच्छा इसके लिए मुझे अभी चाहिए 5 रस्सियाँ, और 5 रस्सियाँ अभी हो जाएंगी, 5 रस्सियाँ कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। ये हो गया एक डोर,
देन ये सेकंड डोर। ओके डोकी मेरे भाइयों, सो हम लोगों ने यहाँ पे डोर भी लगा ली है, अंदर की सारी सीलिंग कंप्लीट कर ली है, इस वाले का भी डोर लगा लिया है बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और अंदर की भी सीलिंग कंप्लीट कर ली है फाइनली। अब मैं बैठ के इसको एक्चुअली ऑफलाइन में खेलने वाला हूँ। ऑब्वियसली इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, जैसे ये जो रूफ़ है वो मैं यहाँ से पूरा पीछे तक लगाऊंगा एक पट्टी, और इसके कमरे के अंदर मैं डेकोरेशन वगैरह सामान वगैरह चेस्ट वगैरह भी भरने वाला हूँ, जैसे चूल्हा और चेस्ट वगैरह यही चीज़ें भरूँगा। और यहाँ पर भी एक अपना बेस लगाऊंगा, मतलब नीचे का फाउंडेशन इसका लगाऊंगा ताकि चलने का एरिया हो, क्योंकि यहाँ पर पूरा घर हो जाता है, फिर यहाँ पर मैं चल नहीं सकता, और फिर जब शार्क वगैरह अटैक करती है तो मेरे पास बचाने के लिए कुछ सीन ही नहीं होता, और फिर वो पूरा का पूरा छपरा ही तोड़ के ले जाती है, मतलब ये दोनों दीवारें और इसकी छत और ये फाउंडेशन, चार पांचों चीज़ें तोड़ के ले जाएगी वो एक ही दफ़ा, तो अच्छा खासा बड़ा लॉस हो जाता है वो। और शायद मैं इसके ऊपर भी एक और वो बना दूँगा, एक और कमरा जिसके अंदर मैं बेडरूम वगैरह लगाऊँगा, जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था पहले भी, तो शायद मैं वो भी ऑफलाइन करने वाला हूँ। सो इस खूबसूरत से म्यूजिक के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, होप सो तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये क्या जा रहा है, अरे 2 मिनट एरोप्लेन जा रहा है, अरे शार्क का हमला हो गया, नहीं ये होता है बेसिकली, ये करती है शार्क, फाउंडेशन तोड़ देती है इतनी देर में जितनी देर में मुझे पता चलता है। हेल नो, तो हाँ गाइस इसको भी मुझे फिक्स करना पड़ेगा। जाते आते भी मेरे को दुख मिल गया, मेरे फ्लेयर ज़ाया हो गई और शार्क ने ये फाउंडेशन तोड़ दिया। सो बस मेरे भाइयों, मैं भी तो तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक, नीचे कमेंट करके बताओ तुम लोगों ने इस गेम को ट्राई किया है कि नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल प्ले स्टोर पर फ्री है, और चैनल को कर दो प्लीज़ सब्सक्राइब। तुम लोग से लिटरली 0.2% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, मतलब ये सोच सकते हो कितनी बुरी बात है, तो जल्दी से कर दिया करो चैनल को सब्सक्राइब बैठी उस बटन के ऊपर। और मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जल्दी से इस गेम को ख़त्म करो इससे पहले शार्क फिर से हमला कर दे। बाय बाय। चलो भाई यार मैस्कॉट, चल भाई फाउंडेशन बना इसका, तो पहले भैंस की यहाँ की ये फाउंडेशन शार्क तोड़ के चलेगी, दिल चाह रहा बना के जाऊँ उसको। ये बन गया, ये बन गया।